हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पर बातें करते हैं हम ऑल इन टॉपिक पर। तो गाइज, नवरात्रे आने वाले हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ माता रानी की बहुत ही सुंदर सी पोशाक। तो उसके लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है और ये नेट का फैब्रिक है और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी इसके अंदर हुई है। तो देखिए गाइज, ये नेट का फैब्रिक है और इसमें सिक्वेंस का भी थोड़ा सा काम है और इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है और बहुत ही सुंदर फैब्रिक है। तो आज मैं इसी से ही माता रानी की ब्यूटीफुल सी पोशाक बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और साथ में ले लेती हूँ। तो देखिए गाइज, मैंने जो है इसको कट कर लिया है और मैंने इसको कितना बड़ा कट किया है, जितना माता रानी का जो लहंगा है उससे मेज़रमेंट कर करके मैंने उसको इतना बड़ा कट किया है। और साथ में लिया है यहाँ पर लाइनिंग। ये मैंने लाइनिंग इसके नीचे लगाने के लिए है, क्योंकि ये जो नेट का फैब्रिक है इसे बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसके नीचे लाइनिंग आपको ज़रूर लगानी पड़ेगी। यानी कि मैं इसके अंदर इसी तरीके की लाइनिंग लगा रही हूँ ताकि इससे ये अच्छा हो जाए और जो है धुलने में भी इसको परेशानी ना हो। और जो बुकरम वाले होते हैं गाइज, उनको धुलने में बहुत दिक्कत आती है, तो आप इसको किसी तरीके से भी वॉश कर सकते हैं। तो जितना मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है ना, उतना ही मैंने यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, ये देखिए। और अब इसके ना नीचे की साइड रख के मैं चारों तरफ से इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो इतना काम पहले कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइज, मैंने ना इसको चारों तरफ से अच्छे से सिल लिया है चारों तरफ से। और अब जो नीचे की साइड है ना, इसके अंदर मुझे लगानी है यहाँ पर लेस। तो मैंने यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सी लेस ली है और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है इसमें, और लगा करके बड़ी ही प्यारी बड़ी ही सुंदर लगेगी। तो नीचे की साइड में लगा रही हूँ ये लेस, तो आप कोई भी लेस हो वो लगा सकते हैं और बहुत सुंदर लगा के लगेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने नीचे की साइड इसके अंदर लेस लगा दी है और अब जो ऊपर की साइड, यहाँ पर मैंने साइड में भी इसके लॉक रिबन लगा के इसको लॉक कर दिया है ताकि इसके साइड से धागे ना निकले। और अब जो ऊपर की साइड से ना, हमें यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बारीक बारीक यहाँ पर गैदर्स डालने हैं, यानी कि प्लेटें डालनी हैं। तो आप इस तरीके से बारीक बारीक प्लेटें डाल लीजिएगा। तो गाइज़, मैंने ना यहाँ पर अच्छी से प्लेटें डाली हैं और सारी प्लेटें देखिए बराबर डली हुई हैं। और अब यहाँ पर नेफा लगा करके मैं इसको रेडी कर लूँगी। और ये देखिए कितनी बराबर से प्लेटें आई हुई हैं ना। तो देखिए गाइज़, कितनी सुंदर पोशाक बनके तैयार हुई है। और अब मैं यहाँ पर, तो देखिए गाइज़, मैंने जो पूरी ड्रेस तैयार कर ली है और मैंने ऊपर चोली सी के अंदर अटैच करी है और यहाँ पर गले पे भी लैस लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। और इसका पूरा लुक देखिएगा, कितनी सुंदर ड्रेस बनके माता रानी की रेडी हुई है ना। तो आप भी ना छोटे छोटे टुकड़ों से इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत बहुत कॉस्टली जो मार्केट में मिलते हैं आप घर में ही उनको अच्छे से बना सकते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।